देखो पहला क्वेश्चन है द रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ वन अपॉन अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट टू। अगर हम रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर करेंगे तो इसका रेशनलाइजेशन अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट टू, अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट टू, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट टू अपॉन यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो अंडर रूट फाइव का स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट टू अपॉन फाइव माइनस टू, यानी अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट टू अपॉन फाइव में से टू गया थ्री। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो गया राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर टू है कि 4,19 इज अ सॉल्यूशन ऑफ वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस थ्री, तो ए की वैल्यू बतानी है, ठीक। तो हम जानते हैं 4,19 इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब x की जगह पर 4 और y की जगह पर 19 रख सकते हैं। तो y की जगह पर 19 रखा इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह 4 प्लस 3, तो 19 इक्वल टू 4a प्लस 3, ये प्लस 3 इधर जाएगा तो 19 माइनस 3 इज इक्वल टू 4a, 19 में से 3 गया कितना बचा जो है 16 इक्वल टू 4a, a जो है मल्टीप्लाई में 4 के साथ, तो 16 अपॉन 4 4 4 जा, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 4, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि p की वैल्यू है, p जो है पॉइंट वो है 5,-7, द बी अ पॉइंट ऑन द ग्राफ ड्रॉ अ PM परपेंडिकुलर टू y एक्सिस द कोऑर्डिनेट ऑफ m, तो इसको हमें कार्टेशियन प्लेन पे देखना पड़ेगा। ये हमारे हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। पहले तो p पॉइंट हम प्लॉट कर लेते हैं 5,-7, तो प्लस माइनस जो होता है वो होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट में, तो x पे 5, y पे -7, यहाँ पर कहीं आएगा 5,-7 करके, ठीक है, इधर कहीं आएगा 5,-7। अब कह रहा है कि ड्रॉ PM, ये पॉइंट P है और P से M परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, मतलब ये y एक्सिस हमारा जा रहा है, इस पे हमें PM ड्रॉ करना है, ठीक है। अब M पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो एक चीज़ बताओ, हमने बताया था यहाँ पर 5,-7, इसका मतलब x पे था 5, ठीक, y पे था -7, 3, 4, 5, 6 और जो है 7, रुको थोड़ा ज़्यादा गैप, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो यहाँ पर पॉइंट जो होगा वो y के लिए तो -7 होगा, लेकिन x के लिए 0 होगा, क्योंकि किसी भी एक्सिस पे पॉइंट x एक्सिस पे होगा तो y की वैल्यू 0 होगी, y एक्सिस पे होगा तो x की वैल्यू 0 होगी, और दिख ही रहा है यहाँ पर y के लिए तो -7 है लेकिन x के लिए नहीं है, तो 0,-7 इज़ द राइट आंसर, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फ्रीक्वेंसी का है, ये अभी नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 3x प्लस के वाई इज इक्वल टू 9 पासेस थ्रू पॉइंट 2,3, तो यानी कि ये लाइन जो है इस पॉइंट से पास हो रही है, तो जब भी कोई लाइन किसी पॉइंट से पास होगी तो x और y की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी, यानी x की जगह रख देंगे 2 तो 3 इंटू 2 और y की जगह रख देंगे 3 k इंटू 3 इक्वल टू 9, तो k 3 इज इक्वल टू 9 और यहाँ पर 3 टू जो है 6 हो गया प्लस का, तो k 3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9-6, यानी k 3 या 3 के बोल दो वही बात है, 9 में से 6 गया तो 3 और k जो इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो 3/3, यानी कि k की वैल्यू आ गई 1, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इन एंशंट इंडिया द शेप्स ऑफ एटलस सॉरी अल्टर्स यूज फॉर हाउस होल्ड रिचुअल्स वर, तो बेसिकली हम लोग पुराने समय में क्या करते थे, तो हम लोग यूज़ करते थे स्क्वायर एंड सर्कल, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टेड एट ओ, मतलब दो लाइन है ए बी और सी डी, ठीक है, ये है सी
सॉरी ए बी एंड सी डी, एक्चुअली इन लोगों ने गलत दे दिया है, ऐसे देना चाहिए था ए बी एंड सी डी, कोई बात नहीं। दोनों जो है ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये एंगल है थीटा और ये एंगल है फाई, ठीक, इस सिंबल को फाई बोलते हैं। अब कह रहा है कि देन थीटा इक्वल टू थ्री थीटा, अगर थीटा जो है वो थ्री थीटा थ्री फाई के बराबर है तो फाई की वैल्यू क्या होगी। हम जानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगा, यानी फाई, ठीक है, पेयर ऑफ एंगल जो है ऑन स्ट्रेट लाइन 180 होता है, फाई प्लस थीटा इक्वल टू होगा 180। अब चूंकि थीटा की वैल्यू दी है थ्री फाई तो ये हो गया थ्री फाई, ठीक है, फाई प्लस थ्री फाई इक्वल टू 180, फाई प्लस थ्री फाई हो गया फोर फाई इक्वल टू 180, तो फाई इज इक्वल टू 180 अपॉन फोर, तो फोर फोर जा 16, यहाँ बचा टू, फोर फाइव जा 20 45, तो यानी जो है फाई की वैल्यू क्या आ गई 45, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर द डायगनल्स इक्वल, मतलब किस में डायगनल इक्वल होते हैं। अगर हम बनाएं यहाँ पर पहला रोम्बस, तो रोम्बस इस तरह से बनेगा, ठीक है, चारों साइड तो बराबर होती हैं लेकिन डायगनल इक्वल नहीं होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है रोम्बस का, तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल इस तरह से बनता है, 90 डिग्री होते हैं, उसके डायगनल इक्वल होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तीसरा पैरेललोग्राम देख लेते हैं, पैरेललोग्राम इस तरह से बनता है, देख लीजिए क्या इसमें डायगनल इक्वल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये वाला बड़ा ये वाला छोटा, तो तीसरा वाला भी गलत हो गया, पहला वाला भी गलत हो गया। और चौथा वाला ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम इस तरह से बनता है, इसमें डायगनल इक्वल कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी रेक्टेंगल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है x प्लस वन जो है फैक्टर है 2x स्क्वायर प्लस kx का, कभी भी कोई फैक्टर होता है तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे वाले में रखेंगे, ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, और इसको कहाँ रखेंगे इसमें, और इक्वल करेंगे 0 क्योंकि जीरोज है, यानी 0 बनाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी, यानी 2 -1 का स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 0, तो 2 और -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा प्लस k इज इक्वल टू 0, तो 2 1 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, यानी k इज इक्वल टू -2, k इज इक्वल टू हो गया -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन कि अच्छा इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ विच लीनियर इक्वेशन, मतलब इन चारों में से किसका सॉल्यूशन है, चारों में हिट एंड ट्राई करेंगे, देखते हैं किसका सॉल्यूशन है। पहला है 5x प्लस वाई इक्वल टू 7, एक्स की जगह रखते हैं 2, वाई की जगह रखते हैं 5, 5 2 10 प्लस 5 15, तो ये डज नॉट इक्वल टू 7 है, तो ये नहीं है, ठीक है। सेकेंड वाला है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7, एक्स की जगह रखते हैं 2, वाई की जगह 5, ये इक्वल टू 7 है कि नहीं है, तो ये है, ठीक है, इक्वल टू 7, तो यस सेकेंड वाला इक्वेशन राइट आंसर है, बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, अगर चेक कर लो देखना फिर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी, एक ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है, इसमें ये ए है, ये बी और ये सी, जो ये बी सी है बराबर है ए बी के, अगर कभी भी इस तरह से दो साइड बराबर होता है तो दोनों एंगल भी एडजेसेंट एंगल भी बराबर होते हैं। एक एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है 115, तो पूछ रहा है एंगल ए की वैल्यू क्या है। मान लेते हैं लेट एंगल ए इज इक्वल टू एक्स, तो एंगल बी भी इक्वल टू एक्स हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब ये आइसोसेलिस एंगल है, इक्वल एंगल है, इक्वल साइड अपोजिट टू इट। अब तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है, यानी एक्स प्लस एक्स के बराबर होगा, ये अपने साथ वाले को छोड़ के बाकी दोनों के सम के बराबर होगा, तो 115 इज इक्वल टू 2x, तो एक्स इज इक्वल टू 115 अपॉन 2, 2 5 जा 10 और 1 बचा 11, 2 7 जा 14 और 0.5, ठीक है, तो 57.5 डिग्री इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि डायगनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल है, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ए बी सी डी,
जो डायगनल हैं आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट का मतलब बराबर काट रहे हैं, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। इफ़ एंगल ए इज इक्वल टू 45, ठीक है, तो एंगल ए जो है ये पूरा है 45, देन एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो हम देखेंगे ऐसा कौन सा फिगर होता है जिसमें डायगनल बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगनल बाइसेक्ट करते हैं जहाँ पर, वो होता है पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में जो एंगल वो होते हैं एडजेसेंट एंगल, जैसे ये एंगल ए है, इसका एडजेसेंट एंगल ये बी है, तो इन दोनों का सम 180 होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। एंगल ए की वैल्यू है 45, तो एंगल बी की वैल्यू पता करनी है, ठीक है, यहाँ पर एडजेसेंट एंगल लिख देंगे, तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 45, ठीक, तो एंगल बी इज इक्वल टू हो गया 135, ठीक है, 5 5 10 6 3 7 8, तो 135 ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13 वाला, ठीक, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, इस तरह से बना लेते हैं इसको भी, और यहाँ पर है सी, ये है बी, एक सी बी कॉर्ड है जो कॉमन कॉर्ड है, और यहाँ पर क्यू है, क्यू से एक पॉइंट डी, और डी से ए पे गया है स्ट्रेट लाइन, फिर ये सेंटर है और ये है पी, एंगल ये वाला एक 150 है, ठीक है, और ये वाला एंगल जो है बताना है बी क्यू डी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बात बताना, 75 ये अगर 150 है तो इसी बेस से ए डी से ही, ये देखिए यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, ए डी से ही ये बना है, तो ये इसका आधा होगा, यानी हो जाएगा 75, और ये 75 तो लीनियर पेयर से ये हो जाएगा ये 150 है, ठीक है, हाँ। तो 150 का आधा 75, और 75 में कितना, तो 105 हो गया, ठीक। अब अगर हम यहाँ से एक जो है ड्रॉ कर दें एंगल, तो ये 105, तो 180 माइनस 105 यानी ये हो जाएगा 75, और जो 75 है उसी का दोगुना होता है सेम कॉर्ड से सेंटर पे बना हुआ एंगल, तो 75 का दोगुना हो जाएगा जो है 150, तो ये भी एंगल 150 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, ठीक है। ये सब ऑप्शनल क्वेश्चन है इसलिए इसमें ज़्यादा जो है एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है, एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5, तो 2 एंड 2.5 के बीच इरेशनल नंबर क्या होगा, तो पहले हम अंडर रूट 5 देख लेते हैं, अंडर रूट 11, अंडर रूट 22.5, अंडर रूट 12.5। एक चीज़ समझ लेना कि जो भी अंडर रूट में होते हैं वो एक्चुअली किसी के नंबर के स्क्वायर बन के बने होते हैं, जैसे हम अंडर रूट 25 लिख दिए तो ये 5 का स्क्वायर बन के बना है, तो हम देखते हैं अंडर रूट 5 किसका स्क्वायर हो रहा होगा, तो अंडर रूट 5 जो है 2 पॉइंट समथिंग का, क्योंकि 2 2 4 होता है तो 2 पॉइंट समथिंग, और 3 3 9 होता है, तो यानी जो भी इसकी वैल्यू है इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में रही होगी। इसकी वैल्यू देख लेते हैं, एक्चुअली जो है 11 है, अब 3 3 9 होता है तो इसकी वैल्यू 3 और 4 के बीच में रही होगी। इसी तरह बाकी सब की वैल्यू और बड़ी है, तो सबसे सिंपल है अंडर रूट 5, ठीक है, एक तरीका है बीच में निकालने का कि आप इन सब को सॉल्व कर लो, जैसे अंडर रूट 5 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 2 ज़ा जो है 4 होगा, और यहाँ पर करते हैं जो है प्लस, यहाँ पर करते हैं माइनस, ये डिवीज़न मेथड से परफेक्ट स्क्वायर निकालने का है, पॉइंट लगाते हैं 00, अब 4 कितनी बार में जाएगा, जैसे हम करते हैं 4 42 2 ज़ा, ठीक है, तो यहाँ पर 42 2 ज़ा हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और 2 4 ज़ा 8, और यदि यहाँ माइनस प्लस तो अप्रॉक्स 2.2 समथिंग आ रहा है, 2.2 इसके बीच में है, लाई कर रहा है, तो सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्रेस वाई इन टर्म ऑफ एक्स, तो फिर से इक्वेशन ये कल के जैसा क्वेश्चन है, 5y-3x-10 जो है इक्वल टू 0, हमें y को एक्सप्रेस करना है x के टर्म में, तो y को अकेला छोड़ते हैं, बाकी सब इक्वल के उधर ले जाते हैं, तो ये -3x बन जाएगा प्लस का 3x, -10 बन जाएगा प्लस का 10, y को अकेला छोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 10 अपॉन 5, और ये एक्सप्रेस हो गया y इन टर्म ऑफ x, तो ऑप्शन नंबर जो है d, ऑप्शन नंबर d राइट आंसर हो गया, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द साइड ऑफ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस इन ऑर्डर देन द सम ऑफ द थ्री एक्सटीरियर एंगल। बेसिकली क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, पहले देखिए एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के हम तीनों साइड को प्रोड्यूस करते हैं आगे तक, इसको यहाँ प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ प्रोड्यूस कर लेते हैं और इसको यहाँ। ऑर्डर का मतलब अगर हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अगली बार इसको प्रोड्यूस करेंगे, फिर अगली बार इसको प्रोड्यूस करेंगे, ये नहीं ऐसे कर दें जैसे इसको प्रोड्यूस कर दें, इसको प्रोड्यूस कर दें और इसको कहीं भी प्रोड्यूस कर दें, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे पहले हमने इस लाइन को यहाँ प्रोड्यूस किया तो इस लाइन को यहाँ, तो इस लाइन को यहाँ प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है, ऑर्डर में ऐसे ही होता है। अब कह रहा है कि इन तीनों एंगलों का सम क्या होगा, ठीक, सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम जानते हैं ये है एक्स मान लो, ये है वाई और ये है जेड, ठीक। अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम पूछा जाए तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 होता है, ठीक, हम ये जानते हैं। और ये वाला एंगल जो है 180 माइनस जेड है, कैसे, क्योंकि एक लाइन पे दो एंगल का सम 180 होता है, तो ये एक्सटीरियर एंगल जो है ये 180 माइनस जेड, इसी तरह ये 180 माइनस वाई और ये 180 माइनस एक्स। अब इन्हीं तीनों का सम पूछा है क्या होगा, तो इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, 180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस वाई प्लस 180 माइनस जेड, ठीक, 180 तीन बार है तो हो गया 540 और माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ अंदर हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 180 है पहले से मालूम है, तो 540 माइनस 180 और 540 में से 180 गया तो 360, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स प्लस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ विच पॉलिनोमियल, एक्स प्लस वन इनमें से किसका फैक्टर है, चार ऑप्शन दिए हैं, तो हम सिंपल सी बात है एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो करके एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं माइनस वन और चारों में देखते हैं, रखते हैं, जो जीरो आ गया वो उसका सॉल्यूशन है। तो पहला है एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, माइनस वन का क्यूब हो जाएगा प्लस टू, माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, माइनस वन प्लस टू, माइनस वन का क्यूब जो हो जाएगा माइनस वन, क्योंकि पावर एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर होता है तो माइनस ही लगता है, और माइनस वन का स्क्वायर इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का टू इंटू वन और माइनस माइनस प्लस वन प्लस टू, माइनस वन प्लस टू प्लस वन प्लस टू, यहाँ माइनस वन प्लस दो एक तीन दो पाँच प्लस फाइव, तो यहाँ पर आएगा फोर, तो इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक। अब हम सेकेंड वाला चेक करते हैं, सेकेंड वाला बी वाला है एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, तो माइनस वन का क्यूब प्लस टू माइनस वन का स्क्वायर माइनस जो है माइनस एक्स है तो माइनस वन प्लस टू, माइनस वन का क्यूब माइनस वन, फिर प्लस टू प्लस वन प्लस टू, ये भी नहीं सॉल्व होगा। फिर सी वाले को देखते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, एक्स क्यूब की जगह माइनस वन का क्यूब माइनस टू माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस टू, माइनस वन का क्यूब माइनस वन माइनस टू इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस माइनस माइनस वन प्लस टू, यहाँ माइनस वन प्लस माइनस माइनस टू माइनस वन प्लस टू, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने देखा ये तो कट गया, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस का टू बचा, ये भी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर फोर कि यही है, देख लेते हैं एक बार, माइनस वन माइनस टू, हाँ ये प्लस वन है, नहीं नहीं प्लस वन माइनस वन, ठीक है प्लस वन, तो ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, माइनस वन का क्यूब प्लस टू माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन माइनस टू, माइनस वन प्लस टू माइनस वन माइनस टू, तो ये भी नहीं, तो लगता है गलती हो गया, फिर से पहले वाला देखते हैं। पहला वाला है देखिए एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, माइनस वन का क्यूब प्लस टू माइनस वन का स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस एक्स है ना, तो माइनस एक्स हो जाएगा माइनस का वन और माइनस टू, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का टू क्योंकि माइनस वन का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस का वन और माइनस टू, हाँ तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया ज़ीरो, यानी एक्स प्लस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑप्शन नंबर ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ़ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू अ शेप ऑफ सॉलिड कोन, मतलब एक स्फीयर है, इसको पिघलाया गया जिसकी रेडियस आर है और इसको पिघला के जो है एक
वो बनाया गया कोन। देन द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन इज, ठीक है, और इसकी हाइट एच आर ही है, ठीक है, सॉलिड कोन ऑफ आर हाइट आर, तो इसकी रेडियस, तो इसकी रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर है। अब हम जानते हैं किसी चीज़ को पिघला के बनाया जाएगा तो वॉल्यूम जो होगा दोनों का बराबर होगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4/3 πr³, और वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr² अब r के लिए यहाँ पर हमें ये वाला r लेना पड़ेगा और h की जगह स्मॉल r, ठीक है, क्योंकि बोला है। अब यहाँ 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, r क्यूब, ठीक है, और यहाँ से जो है r की पावर 3 है तो ऐसे कर देंगे r क्यूब अपॉन r और इंटू 4 इज़क्ल टू आर स्क्वायर, ये बचा, ठीक है। अब ये r ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 4r³ - 1 इज़क्ल टू आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 4r² = r² कैपिटल r स्क्वायर। अब कैपिटल r स्क्वायर का यहाँ पर जाएगा तो रूट लग जाएगा, 4r² = R, और अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2, और r स्क्वायर का रूट से कट गया तो r = R, यानी कैपिटल r = क्या आ गया जो है 2r, तो कैपिटल r हो गया 2r, यानी कि डबल ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।